हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पुरानी ओल्ड साड़ी है उससे आपको एक फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये देखिए पुरानी ओल्ड साड़ी है हमारी। पहले मेजरमेंट लेते हैं। फ्रॉक की लेंथ है हमारी 45 इंच, और पीटी की लेंथ है 12, और इसका शोल्डर है 2 इंच, इसका विथ है 28, और इसका स्लीव लेंथ है 7, और स्लीव विथ है 9½ है। और सबसे पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। जैसे हमारे पेटी की लेंथ है 12 है, तो हम 13 ले लेंगे। ये देखिए मैं 13 पे मार्क लगा रही हूँ। इसको स्ट्रेट में मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हम नेक का विथ लेंगे। नेक का विथ आएगा 2½ इंच। अब हमारा शोल्डर है 2 इंच है, तो 3 इंच हम शोल्डर लेंगे। आर्म्स की लेंथ है, तो आर्म्स की लेंथ आएगी 5 इंच, क्योंकि इसका विथ बहुत कम है, 28 है, तो 28 के लिए हमें 5 इंच इनफ है। इसका विथ है 28 इंच। 28 इंच का 1/4 करेंगे तो 7 होगा। 7 का हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 9 इंच मैंने इसका विथ लिया है। अब यहाँ से मैं इसको राउंड करने के लिए 1 इंच ले लूँगी। ये राउंड गोलाई कर देंगे। अब इसको स्ट्रेट करके यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इस लाइनिंग को पहले कटिंग करेंगे हम। ये मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा कटिंग हो गया है। अब हम हमारा जो ये साड़ी वाला मटेरियल है वो रख के इस पे कटिंग करेंगे। हमें सबसे पहले हमेशा लाइनिंग ही कटिंग करनी है, उसके बाद जो ऊपर वाला मटेरियल होता है उसको कटिंग करना है। तो इसको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जैसा है हमने लाइनिंग कटिंग किया है वैसे के वैसे इसको कट करना है। ये देखिए हो गया हमारा कट। हमने ऊपर की जो पेटी है हमने उसको कट कर लिया है। अब हमारा ये जो घेर है, अब हम इसका लेंगे घेर, जो नीचे से फ्रॉक का घेर होता है वो लेंगे। उसके लिए भी सबसे पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा 33 इंच आ रहा है, तो मैंने इसका 33 इंच लिया है। इसका विथ जैसे 9 आया था हमारा, हमने 9th लिया है 7 की जगह, तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे। 10 ले लिया है मैंने। इसको क्रॉस करते हुए मार्क लगाएंगे। सबसे पहले ये देखिए मैंने मार्क लगाया है, इसको कट कर देंगे। अब ये कट हो गया है हमारा। अब हमारा जो साड़ी वाला मटेरियल है वो लेंगे 1 मिनट। और इसका सबसे पहले हम हैंड्स की लेंथ के लिए मटेरियल अलग कर लेंगे। देखिए हैंड्स के लिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब जो ये कंप्लीट मटेरियल है उसको हाफ ऑफ कर देंगे, हाफ फ्रंट के लिए और हाफ बैक के लिए, क्योंकि इसमें जितना फ्रिल अच्छा आएगा उतना ही हमारी फ्रॉक अच्छी लगेगी। अब हम इसको स्टिच करते हैं। नेक का लेंथ लिया है मैंने 2½ इंच, और जो हमारा विथ है वो भी 2½ इंच है इसका। राउंड कट कर लेंगे। अब ये लाइनिंग है तो हमें इसको ऐसे कैसे स्टिच करना है। देखिए मैं स्टिच ऐसे कैसे इसको स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिच कर लिया है मैंने। अब इस पे कट का मार्क लगाएंगे हम। थ्रेड कट नहीं होना चाहिए हमारा। ये देखिए अब हमें जो हमारा लाइनिंग वाला मटेरियल है उस पर स्टिच लगाएंगे। इस स्टिच से क्या होगा, जो बैक साइड में लाइनिंग का मटेरियल है वो हमारे फ्रंट साइड में शो नहीं होगा, और इसमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी। देखिए पे अब हमारा फ्रंट लिया है मैंने, इसका फ्रंट लेंथ लिया है 3½ इंच। पहले इसको राउंड करेंगे। ये मैंने इसको राउंड कट कर लिया है।
अब मैं इसके लिए पहले पाइपिंग लगाऊंगी, तो पाइपिंग के लिए मैंने क्रॉस पट्टी ली है और इसका मेजरमेंट है 1.5 इंच लिया है इसका। इसको देखिए डबल करके ही मैं लगा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। इसको हल्का टाइट हाथ से लेना है राउंड में, और जैसे अभी ये स्ट्रीट में आएगा तो यहाँ हमें बिल्कुल टाइट नहीं लेना है, यहाँ पे थोड़ा लूज में ही रखना है। टाइट लेंगे तो ये यहाँ से खिंच जाएगा कपड़ा, जैसे हमने एक साइड में लगाया वैसे दूसरे साइड में भी। अब जैसे ये इसका कोना आ रहा है तो ये हमें यहाँ पे इसको कट लगा देंगे। अभी देखिए ये जो बैक साइड का गैप है उसको कवर करेंगे हम। साइड का गैप है उसको कवर करते हुए ही स्टिच करना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से लिया है, तो जो हमारा बैक साइड में गैप है इसमें वो इसमें अच्छे से कवर भी हो जाता है, तो बाहर की साइड शो भी नहीं करता है, तो अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाती है। इसको धीरे धीरे करते हुए इसको स्टिच करना है। अब सेकंड साइड से करेंगे, वो सेकंड साइड नीचे की साइड से स्टिच करना है। अब हमें इसमें बीच में जो पट्टी लगानी है वो कपड़ा तैयार करेंगे पहले। तो मैं इसको पहले ये बॉक्स बना रही हूँ, तो अगर मैं इसको ओपन लूंगी तो थ्रेड हमारा निकलेगा, तो इसको इस तरह से बना के ही हमें इसको अटैच करना है, जिससे कि बैक साइड में भी नहीं थ्रेड निकलेंगे और नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए स्टिच, अब सेकेंड वाला भी हमें लगा लेंगे। इसको बिल्कुल पास में ही अटैच करना है। देखिए आप यहाँ थोड़ा हम रफ स्टिच कर देंगे। ये देखिए फ्रंट साइड में, ये बैक साइड में। अब हम सबसे पहले इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए शोल्डर मैंने जॉइंट किया है, शोल्डर जैसे इसको फ्रंट साइड में रखा है तो दोनों को फ्रंट साइड में रख के और शोल्डर को हमें अपोजिट लेना है। ये देखिए एक बार और, ये इसको ऐसे कैसे हमें फोल्ड करना है। ये हो गया, अब इसको ऐसे कैसे स्टिच करना है। हमने डबल स्टिच करेंगे तो इसमें बैक साइड में भी हमारे जॉइंट नहीं शो होगा। ये देखिए अब एक स्टिच करेंगे बैक साइड में पहले। फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। अब इसको पहले जॉइंट करना है हमें थोड़ा सा, क्योंकि अब हैंड्स लगाएंगे इसमें। मैं पहले जॉइंट थोड़ा इसको जॉइंट करके ही स्लीव अटैच करती हूँ। अब ये थोड़ा कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो वो जो एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये मैं स्लीव के लिए कपड़ा लिया है 10 इंचेस का विथ है, तो इसको फ्रिल वाला हैंड्स बनाना है हमें। ये 4 इंच देखिए, यहाँ बीच में से हम कट लगाएंगे पहले, यहाँ से भी। मैंने इसके लिए पट्टी ली है 2 इंच की है हमारी। अब हम इस पे फ्रिल बनाएंगे हमारे। देखिए यहाँ से हमें फ्रिल बनाना है। ये जो मिडिल वाला मैंने लगाया है मार्क, तो ये दोनों का मिडिल मार्क सेम होना चाहिए, दोनों का एक जगह आना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे बनाना है।
दोनों साइड हमारे फ्रिल्स आएंगे। ये पफ वाला हमारा स्लीव डिजाइन है। अभी देखिए मैं ऊपर से इसको, ये जो हमारा बॉर्डर है उसको कवर कर रही हूँ। पहले बैक साइड में वैसे स्टिच कर लिया। इस तरह से स्टिच करने से पफ में क्या होगा, पफ वाले स्लीव में बैक साइड भी हमारे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए अब मैं ऊपर से बॉर्डर इसको अटैच कर रही हूँ तो उससे फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ये हो गया। अब नीचे वाला जो है उसको हम पहले, ये देखिए ऐसे कैसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड हो रहा है। ब्लैक वाला बॉर्डर है उसी के कॉर्नर तक हमें इसको फोल्ड करना है। देखिए अच्छे से इसको कवर करते हुए स्टिच करना है। अब यहाँ से हमें ऊपर की साइड में थोड़ा एक एक जो हमने फ्रिल नीचे साइड में लिया है सेम उसी डायरेक्शन में इसको फ्रिल बनाना है, जिससे कि हम जैसे स्लीव लगाएंगे हमारे फ्रॉक में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए कितने अच्छे से हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। हल्का सा हमारा राउंड थोड़ा सा कम है तो ये देखिए 7 है हमारा, 7.5 आ रहा है तो हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। अब यहाँ से जो मिडिल मार्क है हम इसको पहले मेजर चेक करेंगे। ये देखिए मैंने मेजर चेक किया है ये कंप्लीट है या नहीं है। अब यहाँ से हमें स्टार्टिंग से इसको स्टिच करना है। स्लीव लगाते समय कभी भी इसको टाइट नहीं रखना है, धीरे धीरे स्टिच करना है। देखिए मैं धीरे धीरे इसको स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिच हो गया है। अब हम इस पे एक सिलाई और करेंगे, दोनों सिलाई कर लेंगे उस पे। अब हम हमारे नीचे घेर लगाएंगे फ्रॉक के अंदर। ये देखिए एक एक फ्रिल बनाते हुए हमें इसमें पहले मिडिल मार्क भी हमें पहले इसमें मिडिल मार्क भी लगाना है, जिससे कि हमें फ्रॉक ये जो मिडिल आएगा फ्रिल लेते समय तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम मिडिल मार्क नहीं लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। मिडिल मार्क नहीं लगाएंगे तो ये जैसे हम फ्रिल बनाएंगे तो एक साइड में कम हो जाएगा और एक साइड में ज्यादा आ जाएंगे। ये देखिए फ्रिल में बराबर लेती हुई स्टिच कर रही हूँ इसके, एक एक फ्रिल लेते हुए। ये फ्रॉक में मिडिल मार्क है हमारे और मैंने घेर में भी मिडिल मार्क लगाया हुआ है। ये मिडिल मार्क मेरे मार्क पे आया है। देखिए एक एक प्लेट्स बना रही हूँ मैं। देखिए मेरी सारी प्लेट्स बना रही है, मैंने स्टिच कर लिया। अब इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग का हमारा ओनली 1 इंच, 1 इंच का मीन्स हमारे 2 इंच एक्स्ट्रा है तो हमें 2 इंच के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको फ्रिल लेते हुए स्टिच करना है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा फ्रिल लेते हुए स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिच हो गया हमारा। अब हम यहाँ से सबसे पहले नीचे फ्रॉक में स्टिच करेंगे। ये जो फ्रॉक है तो इसका जो ऊपर वाला कपड़ा है साड़ी वाला वो स्टिच करेंगे इस घेर को, तो जैसे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में लास्ट में लाइनिंग स्टिच करना है, सबसे पहले ये स्टिच करना है हमें। अब
और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिए हमारा ये स्टिच हो गया है। अब यहाँ से हम इसको मेज़र चेक करके स्टिच करेंगे। ये जब स्टिच करना है मेज़र चेक करके, तो हमें अब लाइनिंग में स्टिच करना है। पहले हमने हमारा जो ऊपर वाला मटेरियल था साड़ी वाला, उसी को पहले कवर किया था घेर को। अब ये देखिए, अब ये जॉइंट है तो इसको हमें नीचे की साइड में लेना है। देखो इसको साइड में लेते हुए स्टिच करते जाना है। जो हमारा नीचे वाला साड़ी वाला मटेरियल है वो कंप्लीट स्टिच में नहीं आना चाहिए, वो केवल 1 या 2 इंच तक ही हमारा स्टिच में आना चाहिए। अगर वो कंप्लीट स्टिच में आएगा तो उसका विड्थ कम हो जाएगा, ऊपर से विड्थ अच्छा शो नहीं होगा उसमें। ये देखिए मेरा स्टिच हो गया है, मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अभी हमारा ये फ्रॉक थोड़ा लूज है, ये देखिए 30 का मेजरमेंट आ रहा है। अब हम इसको हाफ हाफ इंच और स्टिच कर लेंगे तो इसका 28 हो जाएगा। अब बेल्ट बनाएंगे, और सॉरी फ्रेंड्स, वो मैं पहले बेल्ट लगाना भूल गई थी इसमें, तो पहले बेल्ट स्टिच कर रही हूँ मैं। अब मैं बेल्ट अभी बाद में लगाना आपको बता दूंगी। ये देखिए बेल्ट तैयार करना। बेल्ट के लिए मैंने ये 4 इंच विथ मटेरियल लिया है, इसके कॉर्नर को पहले स्टिच कर लिया है। अब इसको पहले देखिए मैं इसको सीधा कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले आपको लेस ये सीधा करना बताया था उसी हिसाब से इसको सीधा करना है। अब जो इसकी कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमें इसको स्टिच करना है। कॉर्नर को स्टिच करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें फ्रिल नहीं आना चाहिए। अगर इस बेल्ट में कॉर्नर स्टिच करते समय फ्रिल आ गया तो ये बेल्ट हमारा अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से मैंने थोड़ा इसको रिमूव कर दिया है, ये बेल्ट लगा रही हूँ मैं। ये मेरा डिजाइन वाला बेल्ट है तो मैं इसको फ्रंट साइड में लगाना है मुझे। ये देखिए अब मैं फ्रंट साइड में इसको स्टिच कर रही हूँ। देखिए फ्रंट साइड में मैं बेल्ट को स्टिच कर रही हूँ। जो नीचे वाला गैप है हमारा, उसको इसी पे हमें कवर करते हुए स्टिच करना है। जो हमारा डिजाइन है वो पूरा अटैच करना है हमारे बेल्ट को। इसमें केवल हमें 2 इंच का गैप रखना है, तो इस साइड से मैंने इसको 3 इंच पहले छोड़ दिया है क्योंकि 1 इंच ये साइड वाला बेल्ट भी आएगा। एक और स्टिच यहाँ से ऊपर की साइड में स्टिच कर लेंगे इस पे। देखिए हमारा स्टिच हो गया ये। अब सेकंड वाले बेल्ट को भी हमें स्टिच करेंगे। इसको हमें ओनली 1.5 इंच तक स्टिच करना है। देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग लगा देंगे। मैंने 1/2 इंच की और फिटिंग लगा दी है। देखिए हमारी फ्रॉक कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। एंड फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में चूड़ीदार नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है डिज़ाइन। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।